2 दिन बाद ढोल ग्यारस के मौके पर शहर के विभिन्न मंदिरों से विमान बेतवा नदी की ओर बिहार करेंगे। साथ ही कई झांकियां भी इस दौरान विसर्जित होंगी। शहर की मुख्य सड़कें जहां से झांकियां गुजरेंगी वहां पर्याप्त रोशनी हो, इसको लेकर समिति के माध्यम से प्रयास किए गए थे। नगर पालिका द्वारा बंद लाइटों को सुधारने का काम किया जा रहा है। सभी स्ट्रीट लाइट सुचारू रूप से काम करें, इस बात की निगरानी सनातन श्री हिंदोत्सव समिति के अध्यक्ष द्वारा की जा रही है। अभी जैसा कि सामने ढोल 1100 अनंत चतुर्दशी पे अनंत चौदस पे हमारे गणेश जी का विसर्जन होता है, उस सिलसिले में पूरे शहरवासी नदी पे विसर्जन करने जाते हैं। उन लोगों को कोई तकलीफ ना हो, पूरे में उजाला रहेगा, कोई घटना दुर्घटना नहीं होगी, इसलिए मैंने प्रशासन से निवेदन किया था। आज वो सब खड़े होकर मैं काम करवा रहा हूँ ताकि पूरे शहर में उजाला बन जाए और हिंदुओं का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाए।